दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जश्न आजादी की, क्योंकि देश 75वें साल का जश्न मना रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कुमायूनी बेटी शीला की। कुमायूनी मूल के परिवार में अल्मोड़ा में जन्मी और नैनीताल में अपनी शुरुआती तालीम हासिल करने वाली शीला यानी आइरीन पंत, जिनकी बात हम कर रहे हैं। आइरीन ने पाकिस्तान की स्थापना के आंदोलन में बेहद अहम भूमिका निभाई। मदर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनने का गौरव उन्हें हासिल हुआ। शीला पंत का जन्म 1905 में अल्मोड़ा के पंत परिवार में हुआ। इनके पिता डेनियल पंत यूपी सचिवालय में काम करते थे। एक वैद्य रहे इनके दादा तारा दत्त पंत ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। इस कारण इनका परिवार सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया था। नैनीताल की एक चर्च सेंट जॉन इन द बार्लोस में शीला का बपतिस्मा कर दिया गया था और इनका नाम आइरीन हो गया था। आइरीन पंत प्रतिभाशाली थीं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी वो पूरी लगन से सक्रिय रहीं। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लियाकत अली का उत्तेजक भाषण सुना तो उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और 1933 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि लियाकत अली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके एक पुत्र भी था। विवाह के लिए आइरीन ने इस्लाम धर्म अपना लिया और राणा लियाकत अली के नाम से जानी जाने लगी। पाकिस्तान की स्थापना से पूर्व आइरीन लियाकत अली के साथ दिल्ली के उस बंगले में रहती थी जो लियाकत ने उन्हें शादी के समय गिफ्ट में दिया था और इनका नाम राणा के नाम पर गुले राणा रखा था। पाकिस्तान जाते वक्त इस दंपत्ति ने इसे पाकिस्तानी दूतावास के लिए पाकिस्तान को दान कर दिया था। यानी हिंदुस्तान में आज जो पाकिस्तानी दूतावास है वह इसी उत्तराखंड की बेटी शीला का शादी के बाद उपहार में मिला वह ससुराल है। वर्तमान में भी पाकिस्तानी दूतावास आइरीन के इसी पूर्व आवास में है। पाकिस्तान की स्थापना के बाद लियाकत अली और उनके दो पुत्रों अशरफ और अकबर के साथ वो खुद पाकिस्तान चली गईं। लियाकत के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें पाकिस्तान की प्रथम महिला के साथ ही लियाकत मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और महिला मामलों की मंत्री का दर्जा मिला। 1991 में लियाकत अली की हत्या के बाद वे बेसहारा हो गईं, क्योंकि लियाकत अली अपने पीछे न कोई संपत्ति छोड़ गए और न ही उनके लिए कोई आसरा। 1954 में उन्हें हॉलैंड यानी नीदरलैंड में पाकिस्तान का राजदूत बनाया गया। 6 साल तक इटली में वो राजदूत रहीं। उन्हें हॉलैंड का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑरेंज प्रदान किया गया। उन्हें किसी पाकिस्तानी नागरिक को दिया जाने वाला पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज और मादरे वतन की उपाधि भी मिली। उन्हें मानद उपाधि, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पुरस्कार, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1961 के बाद से आइरीन के रिश्ते तत्कालीन सैन्य प्रशासक प्रधानमंत्री अयूब खान से बेहतर नहीं रहे, लेकिन वे खुद की बनाई संस्था ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन के माध्यम से महिला उत्थान के कामों में लगी रहीं। मतभेद के बावजूद उनकी ओर से प्रस्तुत महिला सुधारों के मसौदों को पाकिस्तान की सरकार को कानूनी दर्जा भी देना पड़ा। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें सिंध प्रांत का गवर्नर और कराची विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया। साल 1990 में कराची में उनका निधन हो गया। ये रोचक खबर आपके लिए है ताकि आपके ज्ञान में, आपके सामान्य जानकारी में हो सके इजाफा। तो आप भी जश्न आजादी को मनाइए, देश प्रेम की भावना से देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस, उत्तराखंड।